شہزادے 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 مجرم کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. یہ شخص ظلم سے زیادہ ظالم، شرم سے زیادہ شرمناک اور وحشی پن سے زیادہ وحشی ہے، کیونکہ اس ظالم نے جس کا نام زوراور ہے انسانیت کے وجود پر اپنے ظلم و ستم کی ایسی خوفناک تصویر بنائی ہے جس کا ہر نقش انسانی خون سے رنگا ہے. یور آنر، ایسے مجرم کے لیے صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزائے موت. جج صاحب، میں نے آج تک ہر بات ہاتھ اٹھا کر منوائی ہے، لیکن آج ہاتھ جوڑ کر عدالت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی صوبے دار زوراور سنگھ ایک مجرم کیسے بن گیا. میں نے جو بندوق دیش کی رکشا کے لیے اٹھائی تھی، وہ بندوق مجھے اپنے لیے کیوں اٹھانی پڑی؟ میرا بھی ایک ہنستا کھیلتا گھر تھا، ماں باپ کا پیار، ایک چھوٹی سی معصوم بہن. اور ایک ایسی لڑکی کا پیار میری زندگی میں شامل تھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی. دنیا نے بھلے سمجھ لیا ہو کہ زوراور سنگھ مر گیا، لیکن تیرے پیار نے کیسے یقین کر لیا؟ دیکھ سکتے ہو تو غور سے دیکھو، اس من مندر میں آج بھی صرف تمہاری مورتی ہے. اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ دوسرے کے سوہاگ کا جوڑا کیوں پہن لیا ہے؟ ہندوستانی عورت جب بھی سوہاگن مرتی ہے تو اسے اسی طرح دلہن بنایا جاتا ہے. آج اگر تم نہ آتے تو میں کسی اور کی دلہن بننے کی بجائے تمہاری سوہاگن بن کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتی. یہ دیکھو. مجھے تم پر ناز ہے،
तुम हमेशा मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। जोरावर पद्मिनी को अपने साथ ले गया। क्या भक्ति हो, होश में तो हो। जोरावर तो कब का मर चुका है। नहीं चाचा, वो जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका मतलब वो हराम ज्यादा अभी तक जिंदा है। उसने ठाकरों की होने वाली बहू को नहीं उठाया बल्कि अपनी मौत को दावत दी है। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है ठाकुर। नहीं बड़े भैया नहीं, लकीर तब पीटी जाती है जब सांप बचकर निकल जाए। हम उस सांप का फन अपनी जागीर से निकलने से पहले ही कुचल देंगे। बातों से कुछ नहीं होता लाखन। आज तक ठाकुरों के मुंह पर इतने जोरों से किसी ने तमाचा नहीं मारा। सारे गांव के सामने हम लोगों का मुंह काला हो गया। और ये लोग जो कल तक हमारे कदमों के आंच सुनकर अपना सर झुका लेते थे, कल से यही लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हरिपुर के जागीरदार इतने कमजोर और बुजदिल हैं कि उनकी बहू बेटियों को किसी भी वक्त कोई भी ऐरा गैरा आदमी उठाकर ले जा सकता है। रोशन, हमारे मन में लगी क्रोध की आग को इतना मत भड़काओ। ऐसा ना हो कि हम जोरावर की बजाय सारे गांव को जलाकर राख कर दें। उसने हमारे मुंह पर कालक पोती है और हम उसे कफन भी काला पहनाएंगे। कहां है वो हराम सादा जोरावर? वो हमें नहीं मालूम, और अगर मालूम भी होता तो कोई माँ बाप मौत को अपने बेटे का पता नहीं बताते। आज तुझे मेरे साथ दुल्हन के लिबास में देखेगी ना तो खुशी से पागल हो उठेगी। एक मिनट यहीं ठहरो। क्यों? पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आ रही हो। माँ आएगी, पूरे शगुन के साथ अंदर ले जाएगी। बहन आएगी, तेल की रस्म होगी। ठीक है ना जी? थे मैंने तेरे लिए, सालिमों ने तुझे भी नहीं बख्शा। कौन थे वो? कौन थे वो? कौन थे वो लोग? मैं पूछता हूं, कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे मां बाप मेरी बहन का कत्ल किया है? खामोश क्यों हो? कोई तो बताए मुझे। ये बुजदिल क्या बताएंगे जोरावर? मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। तेरी जवान बहन और तेरे बूढ़े मां बाप की लाशों का बोझ तेरे कंधों पर डालने वाला सालिम ठाकुर हाकम सिंह और उसका भाई लखन सिंह है। Oh, God.
चिल्लाहट। सादे, अब भी तेरी आंखों में मेरी मासूम बहन मेरे मां बाप तरफ तुझे नजर आ रहे हैं। आज मैं तुझे तेरे खून की नदी में डुबो दूंगा। जोरावर, जोरावर, ये मत भूलो कि तुम देश के एक सिपाही हो। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। आज तेरे कानून की दीवार भी इसे बचा नहीं सकते। भागने की कोशिश मत करना। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर। चिल्लाना मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मुझे गोली लगी है और इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इससे पहले कि गोली का जहर मेरे शरीर में फैल जाए, मुझे चाकू ला दीजिए। गर्म करके चाकू ला दीजिए, मैं इस गोली को निकाल देना चाहता हूँ। आप अंदर आइए।
क्या हो गया भगवान? मुझसे इतना बड़ा अनर्थ। कौरी, कौरी क्या बात है? नहीं भैया, भैया आप नहीं, नहीं। गौरी, अपने भाई को नहीं बताओ, बताओ क्या, बताओ मुझे, बताओ भैया। जोरावर भैया, भैया खत्म कर दो इस वैश्य दरिंदे को, ये हालात के हाथों बना हुआ मुजरिम नहीं, ये पैदाइशी मुजरिम है, ये पैदाइशी गुनहगार है। मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, लेकिन कैसे हो गया? इसे मैंने सहारा दिया, लेकिन इस कमीने ने मुझसे इज्जत से जीने का हक छीन लिया। हाँ भैया, इसने मेरी इज्जत लूट ली भैया, मेरी इज्जत लूट ली। नीच जलील, मैं तुझे हालात के हाथों इंसानियत की कुचली हुई तस्वीर समझता था, और तू? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने पाप किया है और उस पाप के लिए मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर लेता तो मुझे गोली नहीं मार सकते। हाँ, उसके बाद मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जितनी गोलियां चाहिए मेरे सीने में उतार देना। नहीं जोरावर, नहीं, इस पाप के बदले सजाए मौत तुझे ये भाई अभी यही और इसी वक्त देगा। मैं कहता नहीं, मार डाल भैया इसे, मार दे इस कमीने को, मार डाल भैया, मार डाल भैया, मार इसे। क्या हमारे डिपार्टमेंट के हाथ इतने कमजोर हो चुके हैं या जुर्म कानून से ज्यादा ताकतवर हो गया है कि हम जोरावर सिंह के हाथों में हथकड़ियां नहीं पहना सकते? आज हमने शंकर श्रीवास्तव जैसा होनहार पुलिस ऑफिसर खो दिया, उसकी मासूम बहन गौरी के साथ बलात्कार हुआ और उसने आत्महत्या कर ली, इन सबका जिम्मेदार कौन है? जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह का मकसद है सिर्फ हाकिम सिंह। अगर जोरावर सिंह को पकड़ना है तो हाकिम सिंह के चारों तरफ कानून की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दो कि परिंदा भी पर ना मार सके। मुझे पूरा यकीन है कि जोरावर सिंह वहां जरूर आएगा। कहानी सुनने के बाद अब तुम ही बताओ बाबा, मुझ जैसे बदनसीब को इस दुनिया में जीने का क्या हक है? बेटी मैं तो नहीं बाबा, नहीं, तुमने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि इस धरती पर पाप का बोझ और बढ़ा दिया। नहीं बेटी नहीं, भगवान की शरण में बैठकर ऐसी बातें मत करो। मत लो अपने इस भगवान का नाम, ये तो सिर्फ लोगों की बेबसी और मजबूरी पर मुस्कुराता है। पूछ बाबा, पूछ, क्या बिगाड़ा था मैंने इसका?
इसने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे ऐसा कलंक दे दिया जो मेरे खून से भी नहीं धुल सकता। तुम जिसे कलंक समझती हो वो भगवान शंकर की एक नई रचना है। बेटी, आत्महत्या पाप है, और यदि तुम मरना भी चाहो तो अपने साथ किसी और की जिंदगी लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। हां बेटी, तुम्हारी कोख में एक नया जीवन पल रहा है। अब तुम सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि होने वाले बच्चे की मां भी हो। वाह भगवान वाह, अच्छा इंसाफ है तेरा। दुनिया में अमृत बांटकर तुमने खुद जहर पिया और नाम मिला नीलकंठ। तेरी इस दुनिया ने जो जहर मुझे दिया है उसे क्या नाम दूं? बोल, बोलता क्यों नहीं? अरे तू क्या बोलेगा? आज मैं बोलूंगी, अब मैं मरूंगी नहीं, यह जहर पीकर भी जिंदा रहूंगी, समझे? अगर तेरे इंसाफ में जरा भी सच्चाई है तो इस कुंवारी माँ को ऐसा बेटा दे, ऐसा बेटा दे जिसे सारी दुनिया नीलकंठ माने। हाँ हाँ, नीलकंठ माने। बधाई हो बेटी, तुम्हें चांद सा बेटा हुआ है। मेरे कमों की दुनिया की शहजादी, मैं मां होकर भी तुझे नफरत के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। तूने शंकर के मंदिर में जन्म लिया है और मेरे भाई का नाम भी शंकर था जो अपनी बदनसीब बहन के लिए कुर्बान हो गया। इसलिए मैं तेरा नाम शंकर रखूंगी। हाँ, आज से तू मेरा नीलकंठ है और तू ही मेरा शंकर है। तू ही मेरा शंकर। Hey!
मत बाबा, सांप के तो सिर्फ दांतों में जहर होता है, लेकिन इसका तो पूरा शरीर जहर से भरा हुआ है। सांप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगलों में भटकते रहेंगे। कल तक तो मैं चुप थी, लेकिन आज आज हमारे साथ हमारी औलाद है। हम आप सजा दे सकते हैं, लेकिन इस मासूम को क्यों सजा दे? इसकी भविष्य को अंधेरे में क्यों धकेले? तुम उस इंतकाम की कहानी को भूल जाओ और अपने सूरज के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। अब नई जिंदगी की शुरुआत तो उसी दिन होगी जिस दिन हाकम सिंह की मौत होगी। सरपंच जी। मालिक, 10 साल पहले जो बीज हमने बोया था, आज उस पेड़ से फल तोड़ने का वक्त आ चुका है। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। शायद तुम्हें याद होगा, उस दिन लाखन की शादी थी और हमारी चाणक्य नीति ने उसके लगन मंडप को चिता में बदल दिया था, और इस खादिम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाखन और हाकिम के खिलाफ जोरावर को खूब भड़का दिया था। लेकिन सरकार, ये सब क्यों, किस लिए? हरिपुर की जागीर और करोड़ों की दौलत मेरे आंखों में कंकर की तरह चुभते रहे, और उसके वारिस हैं मेरे चचेरे भाई। जब तक खून नहीं बहता, वारिस कभी नहीं बदलते। किसका खून बहाना है मालिक? हुक्म कीजिए, खादिम हाजिर है। सरपंच, हमें तुम पर नाज है। तुम हमारे राजदार भी हो और मददगार भी। हम तुम्हें इस गांव की गंदगी से निकालकर शहर की रंगीनियों में ले जाएंगे। जय हो मालिक, जय हो आपकी। और तुम्हारी ये बच्ची, इकलौती मासूम, बड़ी होकर ये एक नई जिंदगी शुरू करेगी, है ना बेटी? मालिक, ये सब कब होगा? आज ही रात को होगा सरपंच। आज हाकिम की शादी है और जोरावर उसे खत्म करने के लिए आ रहा है। माफ करना मालिक, जब कभी भी जोरावर सिंह को यह मालूम पड़ेगा कि उसके खानदान के मलियामेट में आपका भी हाथ था, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सरपंच। जोरावर के हाथों हाकिम सिंह तो मरेगा ही, साथ में जोरावर भी नहीं बचेगा।
और इस कामयाबी का सेहरा भी हमारे ही सर होगा। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। सर, ऑफिसर्स। यस सर। आकम सिंह की शादी को बर्बाद में बदलने के लिए जोरावर निकल पड़ा है। जी सर। इसलिए हम यहां आए। तुम सब जाओ, मेन गेट पर पहरा दो। ठीक है सर। ख्याल रखना परिंदा भी पर ना मारने पाए। चलिए। हाँ हाँ, बाहर जाके पहरा दो। अब मेरी हिफाजत के लिए एसपी साहब खुद आ गए। एसपी साहब, आपने जो मेरा ख्याल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाकम सिंह, बरसों से तुम्हारा ही तो ख्याल रहा है। मेरी दुश्मनी सिर्फ इस कुत्ते से है। किसी ने कोई हरकत की अंजाम बहुत बड़ा हो। अपना इंतकाम तो पूरा कर लिया, मगर मेरे जख्मों का हिसाब अभी बाकी है। गौर से देख मेरे चेहरे को, तुझे अपने घिनौने पाप की तस्वीर नजर आएगी। याद कर वो रात जब तू आधा जिंदा और आधा मुर्दा मेरे घर आया था, जख्म से खून बह रहा था, आंखों से दया की भीख मांग रहा था। मैंने तुझे लगी हुई गोली के दर्द से आराम दिलाया, लेकिन तूने दर्द मिटते ही मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। याद आया अपना किया हुआ काला कर्म। और अब देख शंकर, जोरावर, गौर से देखे से, तेरा काल है ये, तेरा अंत है ये। अपनी माँ के बहे हुए आंसुओं का हिसाब तेरे खून के कतरों से लेगा। तेरे किए हुए पापों का फल तेरा ही खून तुझे मिटाकर खाक कर देगा। तेरे अंत के लिए ही मैंने इसे जन्म दिया है। जोरावर, एक मजलूम औरत का ये वो जहरीला हथियार है जो आज नहीं तो कल तेरे सीने में उतरने वाला है। छोड़ दे मुझे, जरा भाई ये मत समझना कि मैंने तुझे बचा कर एहसान किया है। तो किसी और के हाथों मर जाता तो मेरे बेटे के जीने का मकसद ही मर जाता। तेरे सीने पर गोली सिर्फ मेरा बेटा ही चलाएगा। जिस तरह ये माँ सिसक सिसक तड़प तड़प कर जीती रही, उसी तरह तू भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। तभी
काम पूरा होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति। इस गुनाह ने मुझे झंझोर दिया है जज साहब, मैं टूट गया हूँ जज साहब, मैं टूट गया हूँ जज साहब, मैं टूट गया हूँ जज साहब, इसलिए मुझे मुझे बार बार फांसी दीजिए, बार बार फांसी दीजिए जज साहब, ताकि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूं, ताकि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूं। जज साहब, जोरावर सिंह तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और अपने आप को कानून के हवाले करके तुमने कानून की इज्जत की है, इसलिए अदालत तुम्हें सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सजा देती है। पद्मिनी, कानून की नजरों में तो मैं गुनहगार हूं ही, लेकिन तुम्हारी नजरों में तो उससे भी बड़ा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हारे सिंदूर पे कीचड़ उछाला है। नहीं, इंसान के गुनाह उसकी नियत से जाने जाते हैं। आपसे जो कुछ भी हुआ वो आपका इरादा नहीं था, इन बातों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ जी। तो कितनी महान है पद्मिनी, तू मेरे गुनाह भुला सकती है, मगर ये जमाना मेरे गुनाहों की दास्तान कभी नहीं भूलेगा। इसलिए कभी सूरज बड़ा होकर पूछ बैठे कि मेरे बाबा कौन थे, तो कह देना कि वो देश के सिपाही थे, मैदान जंग में मर गए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम सुने, लोग इसे मेरे नाम के ताने दें, मेरे जुर्म मेरे गुनाह दाग बनकर इसकी जिंदगी जीना दूभर कर दें। इसलिए तुम्हें सुहागन होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जीना पड़ेगी। हाँ पद्मिनी, एक सजा कानून ने मुझे दी है और एक सजा आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। तुम एक विधवा की तरह जिंदगी काटोगी, मुझे वचन दो, वचन दो पद्मिनी, वचन दो। हाँ, मेरे लिए सब कुछ है, जैसे आपकी मर्जी, मैं वचन देती हूँ। पद्मिनी, सूरज का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। जलर साहब, शंकर को अनाथ और बेसहारा बनाने वाला मैं हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि शंकर के दिल में मेरे लिए एक नफरत की ज्वाला भड़क रही है, पर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कल शंकर भी मेरी तरह एक मुजरिम बने, आपके रास्तों पर चल पड़े। आपसे एक विनती है कि मेरी मेहनत की कमाई से अगर आप उसे ठीक रास्ते पर ले आए, उसे अपनी तरह कानून का मुहाफिज बना सके, तो मेरे पापों को बहुत बड़ा प्रायश्चित होगा। शंकर बेटे, आज से तुम्हारे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, अच्छे नंबर लेकर पास होना। जी बाबा। जीतते रहो। हमारा बेटा सूरज अपनी माँ के कंधे से भी ऊंचा हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि उसने बस्ती में ही छोटा सा गैरेज खोल लिया है। सिर्फ अपनी माँ के लिए जीता है वो। आपके बारे में मैंने आज तक उसे कुछ नहीं बताया।
चलो भाई एक करो चलो माल निकालो चलो आज का फाइनल अट्ठा चलो माल निकालो चलो जल्दी एक करो का ए पहलवान क्या सूरज के इलाके में मटके का धंधा चला रहे हैं जवानी में कब्रिस्तान जाना है क्या बोला रे ऐसे महिला बरोबर बोलना सूरज आला तरी तुझा बॉडी चा जाला घोटाला तुमको ऐसा पीस डालेगा कि मटके के बोर्ड से उड़कर कैरम बोर्ड का पाउडर बनके खेतिंग करेगा और जाएगा सीधा होल में। ओ पलवान जी आप ऐसा करो हमको अपनी तस्वीर और हार दे दो क्योंकि सूरज के हाथों आपकी बहुत बुरी मौत होने वाली है। निकल लो पतली गली से उठाओ इसको। बाहदब बाबलादा होशियार की बस्ती चा राज दुलार गरीब लोगन का तटका हम लोगन के राजकुमार बधा बेईमानी के फूले हुए कलिंगड़ 420 के सड़ेले टमाटर शकल के अंधे काम के गंदे सुना नहीं बेचपड़ गंजू केस बस्ती से सट्टा शराब और मटका मिटाने के हमने किए हैं वादे हम हैं गरीबों के शहजादे शाबाश प्यादे तो तू मेरे मटके का हड्डा हटाने के लिए आया है हटा तो हम तुझे भी देंगे मुन्ना लेकिन क्या करें बेटे मैकेनिक है ना इसलिए गाड़ी की तरह पहले आदमी के दिमाग की जांच करते हैं कि कहां कहां कौन कौन से पार्ट में क्या क्या गड़बड़ी है अगर कार्बोरेटर में कचरा आ जाए तो उसे साफ कर देते हैं और बेटे अगर हॉल में पानी आ जाए तो साले उसका इंजन डाउन कर देते हैं। ए, अंकस बंद कर साले गैंडे घोंचू तेरी गाड़ी तो टोटल लॉस है बे लगता है गाड़ी के साथ साथ बॉडी और ब्रेक भी डाउन करना पड़ेगा वरना जिंदगी भर ये गाड़ी ना तो स्टार्ट होगी और ना ही इस बस्ती के बाहर जाएगी भाई लोग ये साला धक्का गाड़ी नहीं है ये तो साला फटका गाड़ी है उठा के इस मगरमच्छ को बाहर फेंक दो बेटे तुम क्या समझते हो इसे मार कर तुमने इस बस्ती को बर्बादी से बचा लिया नहीं बेटे नहीं इस बस्ती की जमीन को वो दीमक खा रही है जो आज नहीं तो कल इन तमाम घरों को खा जाएगी ये आप क्या कह रही मौसी हाँ बेटे अगर इस बस्ती को बचाना है तो मेरे पति को बचा लो जो डर्बी क्लब में इस बस्ती की आधी से ज्यादा जमीन हार चुके हैं हमारे पुरखों की ये जमीन जिस पर उन्होंने कभी तुम सबको जिंदगी भर जीने का हक दिया था वो हक तुमसे छीनता जा रहा है बेटे इनकी जुए की लत और जुआरियों की बेईमानी अंदर ही अंदर इस बस्ती की दीवारों को गिराती जा रही है बेटे इस बस्ती को तबाही के इस तूफान से बचा ले बेटे गरीबी भूख और मजबूरी की आग में बहुत जला है ये सूरज इस बस्ती को आग नहीं लगने देगा उस बेईमानी के बारूद में चिंगारी बनकर आग लगा देगा ये सूरज पचास हजार एक कॉन्ट्रैक्ट शांति भाई ज़रा जोश मत खाओ शो करवा लो शो कमाल की बात कर रहे हैं बस्ती की हारी हुई आधी जमीन जीतने की बाजी तो अब आई है शो कैसे करा लूं
1,00,000 कौन है बे तू? चालबाजी मक्कारी और धोखेबाजी को मिटा देने वाला सैलाब हूं मैं, और अगर किसी की खोपड़ी में बेईमानी का रंग चढ़ जाए तो उसे जला जला कर खाक कर देने वाला वेल्डिंग की खतरनाक आग हूं मैं, और अगर किसी ने हमारी बस्ती की ओर बुरी नजर डाली तो उसके प्राण पखेरु उड़ा देने वाला यमराज हूं मैं। क्लब में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? देखो बेटे, हिम्मत और ताकत तो तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले जरा बेईमानी का पर्दाफाश तो कर लूं। देखा शांति भाई, ये खेल होता है इस क्लब में। बेईमानी करते हो तुम लोग? अरे ऐसे क्लबों में बेईमानी और जुर्म ही तो होते हैं शांति भाई, लेकिन अब मैं इन कमीनों को ताश के पत्तों पे अपनी बस्ती का इतिहास नहीं लिखने दूंगा। साहब, कोई एक अजनबी आदमी कसीनो में घुसाया और वो बर्बादी की आंधी और तबाही का तूफान मचाकर चला गया। अब अपने घर की रखवाली के लिए हमने कुछ खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं, जो अनजान आदमियों को देखकर भौंकते भी हैं और काटते भी हैं, और जब ये कुत्ते भौंकने और काटने के काबिल नहीं रहते तो हम उन्हें क्या चाहता है तू? हाँ, चाहता क्या है? इस बुढ़ापे में अपनी माँ को तू चैन की सांस नहीं लेने देगा? इन लड़ाई और झगड़ों ने मेरी जिंदगी का हर सुख छीन लिया। मुझे तू अब मत सता बेटे, बार बार उजड़ कर बचने की ताकत अब नहीं रही मुझ में। पर माँ, मैंने किसी से झगड़ा थोड़ी किया है। खबरदार, जो मुझसे झूठ बोला तू, क्यों गया था जुए खाने में? बोल, चुप क्यों है? अरे तू समझता नहीं है, आज तू उनसे टकराता है, कल वो लोग तुझसे टकराएंगे और दुश्मनी बढ़ती जाएगी, और अंजाम दुश्मनी का अंजाम बड़ा भयंकर होता है बेटे। अरे खसीनों की लड़ाई का खुलासा करने में क्या बुराई थी बाबा? ओ तुम्हें खाली फुकट मार खाता रे। तुम लोग थप्पड़ों की बात कर रहे हो। अरे माँ, जा हंसता मर जाओ, वो मेरी माँ नहीं, मेरे लिए भगवान है, और फिर माँ के थप्पड़ में भी स्पेशल प्यार होता है। मारने का हक उसे होता है जो प्यार करता है,
अब तुम ही लोग बताओ, इस दुनिया में मां का मेरे सिवा और कौन है? और मेरे लिए मां के सिवा और कौन है? कोई नहीं। हम दोनों एक दूसरे के बिना अकेले हैं। मां है तो सूरज की जिंदगी में उजाला है, मां नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। तभी तू अपनी मां को इतना परेशान करता रहता है ना? मां तेरी जान की कसम खाकर कहता हूं, जान बूझ कर तेरा दिल दुखाने की, तेरी शिक्षा के खिलाफ जाने की सूरज ने आज कभी हिम्मत ही नहीं की, मगर हालात ऐसे बन जाते हैं मां कि तुम्हें मेरा सफेद भी काला नजर आता है। शायद मेरी किस्मत ही काली है। थप्पड़ मारूंगी फिर कभी ऐसी बातें की तो। अच्छा चल चल खाना खा ले, मैं तुम सबके लिए खाना लाई हूँ। नहीं मां, तुम खाना रख दो, हम बाद में खा लेंगे। क्यों? अभी किसी ट्रक का इंजन डाउन करना है। अबे ओ मोटी डिक्की के पुराने मॉडल के शेवरलेट, तेरी इतनी हिम्मत साले कि हमारी बस्ती में कंट्री दारू लेके आ गया? अबे ओ मरेले हाथी के सड़ेले बेटे, बाटली में डाल के ऐसा बुक लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर बेकार इंजन ऑयल की तरह पड़ा रहेगा, और उसके बाद तेरी ऐसी सर्विसिंग करूंगा कि साले जितनी तेरी चर्बी है ना पिघल कर तेरी हड्डियों के भीतर घुस जाएगी। क्यों गैंडे? याद रखना ये हिटलर बिजली का आदमी है, बिजली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जाके बिजली को हमारा नाम बता देना, साले हमारी पावर से घबरा के शहर ना छोड़ दे तो हमारा नाम सूरज नहीं। अबे साले, बिजली हूँ बिजली, करंट मारती हूँ वोल्टेज 360 का, और फिर तेरे जैसे टपोरी लोग रास्ता पकड़ते हैं अस्पताल की घाट का, नहीं तो शमशान घाट का। मगर बिजली मैं तो चल साले, बिजली के अड्डे पे हेरा फेरी, हाँ दारू की बाटली में चोरी चकारी, साले सबके ग्लासों में कुत्ते की माफिक मुंह मारता है, कभी किसी का काजू खाता है तो कभी किसी का वेफर उड़ाता है, अगर किसी को जरा से भी दारू चढ़ गई तो आंख बचाकर उसकी बाटली अंदर। हाँ निकल निकल, मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से। तेरी तो बिजली, इसको तो तू अड्डे से निकाल रही है, मगर वो तो हमको बिजली की खोपड़ी किसके लिए है, बड़बड़ मत कर, चल बाटली का माल निकाल। बाटली क्या, उसने तो मेरी पूरी हवा निकाल डाली। क्या? सारी बाटले बोल डाली। किसकी मौत आई है रे, कौन है वो? अबे ओए सच्चाई के शहजादे, निकल बाहर। अगर तेरी हड्डी का पाया और बोटी का कबाब नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी बिजली नहीं। हाँ, हाँ। अरे बेवड़ी तेरी तो मैं सूरज, मेरा बहादुर बेटा अब क्या औरत जात के साथ लड़ाई करेगा? अरे माँ, अरे बिजली से लड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है, बिजली दारू बेचती है, दारू किसी का खीसा पॉकेट नहीं मारती है, समझे? अरे 14 इयर्स का लाइसेंस है मेरे पास, 14 इयर्स। दादागिरी करता है साला, तू तू बिजली का अड्डा बंद करेगा? हाँ अरे बिजली असली माल बेचती है असली, नहीं तो बस्ती के जितने भी बेवड़े है ना सब गटर का पानी पीकर मर गए होते साले। माँ जी अब आप ही बताइए ना, इसको मेरी बाटली फोड़ने का लाइसेंस मिला है क्या? अबे ओए पोखर शहजादे, याद रखना ऐसी छपाई करूंगी ना कि आईने में थोपड़ा देखना बंद कर देगा, अगर फिर से दिखाई दिया ना तो हड्डी की टांग पे तू आएगा लेकिन लकड़ी की टांग पे जाएगा, फोड़ डालूंगी। नमस्ते माँ जी, चल दे मोटू। तुम्हें तुम्हारा माल तो मिल गया जैक, लेकिन मेरा माल कहाँ है? ये लो तुम्हारे माल की कीमत, पूरे 5 करोड़ के हीरे हैं। ओके थैंक यू बाय। चलो कम ऑन लेट्स मूव।
हूं। कौन हो तुम? गैर कानूनी दुनिया वालों के लिए जहर हूं मैं। जुर्म चाहे आकाश की ऊंचाई पर हो रहा हो या पाताल की गहराई में, शंकर का ये पंजा सजा का फंदा बनकर दुश्मन की गर्दन को दबोच लेता है। हमारे रास्ते से हट जाओ इंस्पेक्टर। रास्ते से दीवार हटाई जा सकती है, शंकर जैसा पहाड़ नहीं। इसे जान से मार डालो। नाक के नीचे से तुम हमारा माल ऐसे निकाल लेती हो जैसे मक्खन में से बाल। हमें तो तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए ताकि दुनिया की नजर न लगे। मगर भीमा को कानून की नजर लग चुकी है और मैं वहां से कैसे बच निकली ये मेरा दिल जानता है। राय साहब, आखिर कब तक आप मुझसे जुर्म का काम करवाते रहेंगे? जब तक तुम्हारा बाप हमारी कैद में है तब तक। और अगर किसी दिन मैं कानून के शिकंजे में फंस गई तो फिर तुम्हारा बाप मौत के शिकंजे में फंस जाएगा। आप मेरे बाप को? हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी कानून के पास चली गई तो तुम्हारा बाप भगवान के पास चला जाएगा। इसलिए जब कभी भी तुम हमारे काम के लिए बाहर जाओ, हमेशा कामयाब होकर वापस लौटो और अपने बाप को जिंदा रखने के लिए जुर्म के इस काम को पुण्य का कर्म समझकर करती जाओ। और फिर ये सारा काम हम तुमसे मुफ्त में थोड़ी करवाते हैं। जब कभी भी तुम कामयाब होकर लौटती हो, कम से कम एक बार हम तुम्हें अपने बाप से जरूर मिलवाते हैं। बाबा, मेरी बच्ची। मत कहो मुझे बाबा, मत कहो। मैं तुम्हारा बाबा कहलाने के लायक नहीं हूँ। लालच में आकर गुनाह मैंने किए और उनकी सजा आज मेरी बच्ची को भुगतनी पड़ रही है। बेटा, मैं तो अगर मरना भी चाहूँ तो मुझे मौत नहीं आएगी, मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उस मासूम जोरावर सिंह को बर्बाद करने के लिए इन पापियों का पूरा पूरा साथ दिया है। बेटा, पूरा पूरा साथ दिया है। काश मुझे एक बार जोरावर सिंह मिल जाए तो मैं उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लूं ताकि मेरा आखिरी सांस आराम से निकल सके। बेटा, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन बेटा। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा बेटा। मेरी परवाह मत कर और यहां से भाग जा। भाग जा बेटा, इन पापियों से बहुत दूर निकल जा बेटा। नहीं बाबा, नहीं। तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत खूब सरपंच, बेटी को भागने का सबक सिखा रहा है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए।
के राजदार होने के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा रखा, वरना हमारी चाल से मौत भी इंसान को नहीं छुड़ा सकती। रोशन सिंह, ऊपर वाले से डर, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। एक दिन तेरे गले में कानून का फंदा होगा, तब तुझे मालूम पड़ेगा तो कितना बड़ा गुनहगार है। कानून, कानून को तो हम अपने हथेली पर लट्टू की तरह घुमाते रहते हैं, जब चाहे उसे उलट देते हैं, जब चाहे उसे पलट देते हैं, और मौका पड़ने पर कानून को अपना दोस्त बनाकर अपने दुश्मन के पास मौत का पैगाम देकर भेज देते हैं। तुम में से सूरज कौन है? बड़े भाई, मैं हूं। तो आप ही हैं अंगारों के पुजारी, जो जहां से गुजर जाए वहां शोले और चिंगारियां बरसने लगते हैं, हाँ? कोई बॉडी ठीक ठाक करनी हो तो वेल्डिंग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है, और फिर शोले और चिंगारी तो आग के साथ होते ही हैं। तुम जैसे आग से खेलने वालों को जिंदा आग में झोंक देता हूं मैं। आई शाबाश, हम अपनी दुकान में दंगा फसाद नहीं करना चाहते भाई। राय साहब जैसे इज्जतदार लोगों के क्लबों में जाकर दंगा फसाद करना पसंद है तुम्हें? तो तुम दुश्मन के भेजे हुए तीर हो? तीर नहीं, तलवार है, जो दुश्मन पर ऐसा घाव लगाते हैं कि वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। जिसने उस टुटपुंजिये राय के क्लब में जाकर लोगों की ऐसी तैसी करके सबों को अस्पताल पहुंचा दिया, उसे अपनी ताकत से धमकाने आए हो तुम, और वो भी अकेले। बचपन से लेकर आज तक शंकर ने हर जंग अकेले ही लड़ी है। तब तो ये तेरे जीवन का आखिरी संग्राम होगा। मांग नहीं पड़ेगी माँ, गलती मेरी नहीं है। यह जुल्म उस राय साहब का है जो इस बस्ती की जमीन को हड़पना चाहता है, और यह उसका दाहिना हाथ है। चुप,
मैं किसी राय साहब का दाया या बाया हाथ नहीं हूं। मैं कानून का मुहाफिज हूं और तुम्हें सजा देने के लिए आया था। और एक बात सुन लो, आज तुम अपनी माँ की वजह से बच गए हो। माँ भले किसी की भी हो, मैं माँ शब्द की इज्जत करता हूँ। कानून की मैं भी इज्जत करता हूँ, लेकिन असलियत का मुझे पता नहीं था। तुम्हारे आने के अंदाज से ही लगा जैसे तुम राय साहब का बदला लेने आए हो। जो क्लब में तूने तोड़फोड़ की है वो तुम्हारी पहली गलती समझ के छोड़ रहा हूँ। आइंदा कोई ऐसी गलती की तो मैं तेरा क्या हशर करूंगा तू याद रखेगा। ये तो क्या कह रही है पद्मिनी? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। आज मैंने पहली बार अपनी आंखों से शंकर को देखा है। वो बिल्कुल तुम्हारा दूसरा रूप है। तुम प्रायश्चित के आंसुओं से अपने गुनाह को धो देना चाहते हो और वो अपनी इंतकाम की आग से सब कुछ जला देना चाहता है। आज तो वो एक माँ की खातिर लड़ाई छोड़कर चला गया, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया सूरज तुम्हारा बेटा है तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर पद्मिनी। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी नफरत की आग को मैं अपने खून से मिटा दूंगा। फिक्र तो मैं सूरज के लिए भी करती, उसकी गर्मी, कहीं उसे ऐसी जगह ना पहुंचाती जहां उसकी माँ की आवाज तक ना पहुंचे। नहीं, भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा। तो बहुत दुख झेल चुकी है पद्मिनी, ऐसा बहुत हो चुका। सब गराज का ख्याल रखना, मैं जेलर साहब की गाड़ी की हड्डी पसली ठीक करके आता हूँ। अरे ओ शहजादे, तू सारी जिंदगी दूसरों की गाड़ियाँ ठीक करता रहेगा क्या? देखो माताजी फिर आ गई। चुप। अरे क्या चुप चुप कह रही है तू, यहाँ फिर आ गई? क्यों? ये दुबई है, इधर आने को वीजा लगता है क्या? ए देख, मेरा भेजा जास्ती घुमाना तो ऐसा हैंडल घुमाऊंगा कि सीधा अस्पताल पहुँच जाएगी, समझे? सच? अरे अस्पताल जाने का तो मेरे को भी बहुत शौक है रे, मगर तू कुछ करे तब ना। आई, क्या मतलब? अरे बैंड बजा, शादी रचा, सुहागरात मना और उसके बाद अस्पताल। मैं शादी करूंगा तो बेवड़ी से, दारू वाली से। अरे मेरी दारू तो पीने के बाद चढ़ती है, मगर तेरी सूरत में ऐसी कौन सी दारू है जो देखते ही मेरे को चढ़ जाती है? और मैं चढ़ जाती हूँ तेरे गैराज की सीढ़ी। जाती मैं तेरे मुंह पे लगा दूं ग्रीस। अरे मुंह पे ग्रीस नहीं रे, मांग में लगा दो ना सिंदूर, नाक में नथनी, हाथ में कंगन, गले में मंगलसूत्र। और नहीं, और नहीं। नेताजी आ गए। नेताजी नमस्ते। अरे ओ नेताजी के बच्चे, फिर चूना लगा के चला गया। जरा साहब जल्दी से गाड़ी की चा। ए भाई ये क्या छुपा कर रखा है तूने अपनी पॉकेट में? जी साहब कुछ नहीं, साहब कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे जेलर साहब के गैर हाजिरी में उनका सामान चुराते हुए शर्म नहीं आती? जल्दी बाहर निकलो।
साहब मैंने यहां से कुछ नहीं उठाया। देखो मेरी माँ ने मुझे झूठ ना बोलने के साथ साथ झूठ ना सुनने की भी नसीहत दी है। जुर्म की चादर में लिपटे हुए मुजरिमों को जरा सी आजादी मिल जाए तो वो कानून का सारा जिस्म नोच कर फाड़ डालेंगे। बाहर निकालो। क्या हुआ, क्या हुआ सूरज? देखिए जिले साहब, बिच्छू डंग मारने से बाज आ सकता है, सांप फन मारने से, मगर ये सफेद वर्दी में लिपटे हुए मुजरिम अपने काले कारनामों से बाज नहीं आ सकते। क्या मेरे सामने इसने आपकी कोई चीज उठाकर अपनी पॉकेट में छुपा दी? क्यों भाई? नहीं जिले साहब। क्या उठाया तुमने? आपसे क्या छुपाना? ये तो इसकी पत्नी और इसके बेटे की तस्वीर है जिन्हें ये बहुत प्यार करता है। क्या प्यार है, क्या जज्बात है। जुर्म की सड़क पर दौड़ते वक्त इन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया अपनी बीवी का, अपने बच्चे का। जब पिंजरे में कैद हो गए तो उनकी तस्वीर से प्यार करने लगे। अरे मर्द जात तो इससे भी कड़ी सजा सह के जी जाए। सोचिए, जरा सोचिए, इसकी बीवी का कैसे दर बदर की ठोकरें खा रही होगी अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए। एक सजा जो इन्होंने कानून से ली है, वही दूसरी सजा इन्होंने अपने परिवार वालों को भी दी है। सूरज, इस बेचारे का दिल दुखाकर तुमने अच्छा नहीं किया। इन सलाखों में ये एक वायद सच्चा इंसान है जो मेरी नजरों में इंसानियत से बढ़कर महान बन चुका है। बेटे, अनजाने में इससे एक पाप हो गया था जिसकी सजा ये कैद से भी बढ़कर पश्चाताप करके भुगत रहा है। ऐसे इंसान का दिल दुखाना भगवान का दिल दुखाने के बराबर होता है। ए बाप, ए बाप, मेरे बाप, आप मेरे को माफ कर दीजिए। देखिए अपने को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जिले साहब बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, सोना आदमी है, सोना, और कभी कभी सुनार से भी सोना पहचाने में भूल हो जाती है। बाप, हम तो सिर्फ मैकेनिक है ना। बेटे, बाप कहाँ है? तो एक बार मेरे सीने से भी लग जा, मेरे सीने से लग जा। बाबा, मेरा इस दुनिया में बाप नहीं है, लेकिन अगर आज होता तो उससे भी वही प्यार मिलता मुझे जो आपके सीने से लग के मिला है। मुझे माफ कर दो बाबा। बेटे, जीता रहे बेटे, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू जीता रहे, जीता रहे, तेरा तेरा माल भी बाका ना होगा। मैं चलता हूँ, मुझे माफ कर देना बाबा। बेटे, तेरा लाख लाख शुक्र है। मिल लिया बेटे से? हाँ जी साहब, हाँ, आज आज मेरे मन को शांति मिल गई। हाँ जी साहब, आज से सीने से लगा के इस बात का यकीन हो गया कि मेरा बेटा गुनाह के रास्ते पर नहीं जाएगा। अरे मुंगेरी लाल, एक पाना देना, एक इस तमर का। अच्छा भैया, तू बैठ। अबे तू तक तूतिया, ये तो 30-32 नंबर का 21 नंबर का दे रहे। शहजादे। कौन है बे? 21 नंबर का तो मेरा है। तेरा है? हाँ, क्या तेरा है? साल, आज से 21वां साल ही तो लगा है। कैसी लग रही है? बिल्कुल पटना के गोल घर की तरह चमक रही है, बहुत अच्छी लग रही है। दूर हट, काम करने मेरे को, पीछे हट, चल हट। हाँ बोल ना। लव, प्यार, रोमांस कितना बड़ा काम है। जो मजनू ने किया तो नाम हुआ, रांझे ने किया तो नाम हुआ, रोमियो ने किया तो उसका भी नाम हुआ। अरे बिजली ने किया तो क्या उसका नाम नहीं होगा क्या? इसलिए बिजली ने भी तेरे नाम का एक लव लेटर लिखा है। आज से पढ़ना चालू कर दे और कल से लिखना अपने दिल पर मेरा नाम और मेरे दिल पर तेरा नाम।
नाम की चिट्ठी है तेरे नाम की चिट्ठी तू है मेरे नाम की चिट्ठी है तेरे नाम की चिट्ठी अरे चिट्ठी चिट्ठी अरे पढ़ली चिट्ठी अरे चिट्ठी चिट्ठी पढ़ली चिट्ठी तुम लोग यहाँ भी आ गए चल साइन घसीट दे वरना शरीर से बोटी का एक एक टुकड़ा घसीट लूंगा भाई किसी कीमत पर भी इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा शांति भाई साइन कर दो चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी कीमत पर भी इस पस्ती को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा शांति नहीं करेगा नहीं छोड़ दो छोड़ दो मेरे पति को छोड़ दो भगवान के लिए छोड़ दो छोड़ दीजिए मैं साइन करता हूँ। ठहरो। एक साइन मैं भी करूंगा बाबा लोग लेकिन उस बेजान कागज पे नहीं बल्कि तुम बाबा लोगों के थोबड़ों पे और ऐसा साइन करूंगा कि आज के बाद जब भी आईना देखने की जरूरत करोगे तो सिर्फ साइन ही साइन नजर आएगा थोबड़ा नजर नहीं आएगा हम सजाएंगे सूरज की अर्थी हम देखिए मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है जरा चल के ठीक कर दीजिए ना मेरे पास टाइम नहीं है बहुत बिजी हूँ प्लीज चलिए ना देखिए मेम साहब क्या है इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं इन्हें ठीक करने में आज पूरा समय निकल जाएगा मेरे पास अभी वक्त नहीं है आप दूसरा मैकेनिक ढूंढ लीजिए नमस्ते माँ जी अरे बेटी तू ठीक है ना मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है इनके पास ठीक करने का वक्त ही नहीं है वक्त नहीं है तू आ तो मेरे साथ सूरज हाँ माँ खाना ले आई अरे ये वही तो है उस दिन जिसने मेरी जान बचाई थी माँ जी इस लड़की की वजह से तो तेरी माँ को दोबारा जिंदगी मिली है माफी माँ माफी जिसने सूरज की माँ की जान बचाई हो उस पे सूरज एक तो क्या हजारों जाने कुर्बान कर सकता है चलिए देवी जी कहाँ चलना है आइए सुनिए वहां है गाड़ी ओ ये गाड़ी अच्छा हम देख लेते हैं आप फिक्र मत करो तुम गाड़ी स्टार्ट करो Thank you.
बिगाड़ा था मैंने तेरा। मेरी माँ पे किए गए एहसान के बदले तूने मुझे शमशान पहुंचाने का प्रोग्राम बना दिया। जल्दी बता वरना तेरा थोड़ा तोड़ दूंगा। नहीं सूरज नहीं, अगर आरती तुम्हें इन लोगों से मरवाना चाहती तो मुझे फोन करके तुम्हें बचाने के लिए यहां ना बुलाती। ऐसी साजिश करने वाले हमदर्दी नहीं करते शंकर, और अगर हमदर्दी करते भी हैं तो उसके पीछे भी जरूर कोई साजिश होती है। हाँ मैंने साजिश की है, धोखे और फरेब का जाल बिछाया है मैंने तुमको यहाँ बुलाने के लिए। खुद को अपनी जमीर की नजरों से गिराकर एक झूठ बोलने का पाप किया है मैंने। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है तो मर जाती, लेकिन तुम्हें यहाँ कभी नहीं बुलाती। मगर मैं क्या करूं, मैं एक खिलौना हूँ, खुद रोने और खुद ही अपने आंसू पोछने वाली एक कठपुतली हूँ। मेरे पिताजी उन जालिमों के पंजों तले कैद हैं, उनके दिए हुए जख्म चोट और अत्याचार के बीच तड़प तड़प कर जी रहे हैं। मुझे उनके इशारों पर नाचना पड़ता है, अगर मैं उनका कहा नहीं मानती तो वो मेरे पिताजी को मार डालेंगे, मार डालेंगे उन्हें। आरती मुझे तुम्हारे हर लफ्ज पर यकीन है, मैं तुम्हारे पिताजी को रिहा करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अगर ऐसी बात है तो सूरज भी तुम्हारे साथ है, सूरज को जुल्म से पैदाइशी नफरत है। अगर मुझे आप लोगों के बाजू की ताकत मिल जाए तो जुल्म का लोहा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो हम उसे बर्फ की तरह पिघला देंगे। कोई कहानी बन जाए, खतरे की कोई
के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो जोरावर के बारे में? क्या जानते हो जोरावर के बारे में? मैं पूछता हूँ, जोरावर के बारे में क्या जानते हो? जोरावर कहाँ है? मैं पूछता हूँ, जोरावर कहाँ है? कहाँ है जोरावर? शंकर, मैं बताता हूं, जोरावर अब इस जेल में नहीं है, वो रिहा हो चुका है। जेलर, वह जेलर साहब बेटा कहते रहे और पाप बनकर इतना बड़ा विश्वासघात किया अपने बेटे के साथ। आपने जोरावर को अपनी जेल में कैद नहीं कर रखा था, बल्कि उसकी जान मुझसे बचाने के लिए उसे पनाह दे रखी थी अपनी जेल में। आज आज उसकी रिहाई को एक राज बनाकर आपने अपने आप को मेरी नजर में बहुत बड़ा मुजरिम बना लिया है। बेटे, मैं तुम्हारे मन में जोरावर के लिए क्रोध कम हो जाने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? अरे बाबा, आप ये तेरी तो बेटी नहीं, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, दोस्त मेरा है। थोड़ी देर के लिए मैं वही बेसुध हो गया था बाबा। अरे तुम लोगों ने क्या मछली मार के बना कर रखा है? चलो फुटो यहां से, चलो चलो आओ बाबा। हां दियो तुम्हारी पैर साडी पैर। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बाबा आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटे, मैं ठीक हूं। बाबा एक बात बताओ, आप जेल से कब छूटे? कानून की सजा को तो ये आखिरी दिन था, अगर लगता है आत्मा की सजा जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। नहीं बाबा नहीं, ये क्या कह रहे हो बेटे? अपने तक पहुंचने का जो सफर है, लगता है जेल की सजा से भी ज्यादा कठिन है। मेरे सामने होते ही वो मुझसे हजारों मील दूर हैं। बाबा खून को खून खींचता है, आप देखना एक दिन आपके अपने आप तक दौड़े हुए चले आएंगे। लेकिन हो सकता है वो मेरे माथे पर लगी हुई जुर्म की मोहर को देखकर रुक जाएं, वो मुझसे मुंह फेर ले। बाबा वक्त हर चीज को मिला देता है, देखो ना सूरज भी शाम को समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह से एक दिन आपको अपने जरूर मिल जाएंगे बाबा। हाँ बेटे, तेरी बात और मेरी ढारस बहुत बधाई है, लेकिन फिर भी न जाने डर क्यों लगता है। नहीं बाबा नहीं, जब तक आपका ये डर खत्म ना हो जाए ना, तब तक आप यहीं रहेंगे, इसी बस्ती में रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे। नहीं बेटे नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता बाबा। आपने मुझे बेटा कहा है ना, बाप बेटे पे कभी बोझ बनता है क्या? मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आप इनकार नहीं कर सकते। आपको मेरी कसम। नहीं 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 बेटे, नहीं कसम नहीं खाते। तू कहता है ठीक है, मैं तेरे पास रह जाऊंगा। माँ माँ आ रही हूँ बाबा। माँ ये वही बाबा है जिनका मैं तुमसे अक्सर जिक्र किया करता था। बाबा ये मेरी माँ है। हालात ने बाबा को इस दुनिया में अकेला कर दिया है, इसलिए मैंने इनसे कह दिया है माँ कि आज से ये यहीं इस घर में हम लोग के साथ रहेंगे, ठीक है ना माँ? माँ आज एक नहीं बल्कि दो थाली लगाना, आप आराम से यहां बैठ जाओ, आज से ही आपका अपना घर है।
मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ, फिर दोनों बैठ के इकट्ठे खाना खाएं। बैठ जाओ। डॉक्टर, गोली का जहर फैल जाने की वजह से फिलहाल नहीं डॉक्टर, वो नहीं मरेगा, उसे हर हालत में बचाना होगा। 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। शंकर ने सालों इंतजार किया है, ये 24 घंटे भी गुजार लेगा। शंकर क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पापा की जान के दुश्मन बन गए हो। जिसकी जान का मैं दुश्मन हूँ, उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे बाबा हैं। सोरावर ने मुझे ऐसे घाव दिए हैं, उससे मेरी आत्मा ही चली नहीं हुई, मेरा पूरा शरीर एक जख्म बनकर रह गया है। क्या तुम्हारे इन जख्मों को मेरे प्यार का मरहम ठीक नहीं कर सकता? मेरा जख्म मासूर बन चुका है, इसे किसी के प्यार का मरहम ठीक नहीं कर सकता। इसे कुरेदने की कोशिश मत करना, वरना इसके दर्द की शिद्दत से तुम भी कराह उठोगी। डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जिंदगी बचा लीजिए, आप यकीन रखिए। डॉक्टर साहब जल्दी करिए, ये तड़प रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता, तुम सबका भाई नहीं मर सकता। कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो। तुम्हारा भाई तुम्हारे आंखों के सामने जल गया, मेरा बाजू कट गया, जिंदगी भर के लिए मेरा भाई छो गया, और तुम लोग चीखे सुनते रहे, उसकी मौत का तमाशा देखते रहे तुम सब। मैं अपने बेटे की मौत का ऐसा इंतकाम लूंगा कि एक बार आसमान में बैठा हुआ भगवान भी घबरा जाए। उस भारत नगर की बस्ती को महाभारत के मैदान की तरह आग के शोलों में लिपटा हुआ शमशान बना दूंगा मैं। तैयारी करो।
आगे। जल्दी जल्दी तुमने पानी का इंतजाम करो। चलो बचाओ बचाओ। जन्मदाता कहने को जी चाहता है, आग से बचाकर आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, वरना जन्म देने वाली उस मां को दिया हुआ वचन कभी पूरा नहीं कर पाता। मां तो भगवान का दूसरा रूप होता है, जिसके साथ मां की दुआएं हो उसे आग क्या जलाएगी। बेटे मैं आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुझे तेरे मकसद में जल्दी कामयाबी दे। पापा, आपके एहसानों का बदला मैं इस जन्म में तो कभी नहीं चुका सकूंगा, लेकिन बस्ती में आग लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बाबा, चलता हूं। कहां है तुम्हारा राय साहब? यस। बस्ती में आग तुमने लगवाई थी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार करके तुम अपना फर्ज निभाना चाहते हो? अरे पहले अपनी मां का वो फर्ज निभाओ जिसने बरसों पहले मरते वक्त अपने दुश्मन से इंतकाम लेने का तुमसे वचन लिया था। सजा देनी है तो उस दुश्मन को दो जो तुम्हारा असली दुश्मन है, जिसका नाम है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह? तुम कैसे जानते उसके बारे में? कहाँ है वो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है वो? तुमने सारी जिंदगी अपने वचनों के बंधन में बांधकर मुझे एक विधवा की तरह जीने पर मजबूर कर दिया, और आज शंकर को ये आशीर्वाद भी दे दिया कि वो सचमुच मेरा सुहाग छीन ले। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? कैसा इंसाफ है? ये तो तू अच्छी तरह जानती है पद्मिनी। मैंने शंकर की जिंदगी से हर खुशी छीन ली है, उसके पास अब नफरत के सिवा रहा ही क्या है, और उसकी नफरत की आग सिर्फ जोरावर के खून से ही मिट सकती है। इसे अनहोनी कह ले, जो जी चाहे कह ले, शंकर है तो मेरा ही बेटा। सूरज भी तो तुम्हारा बेटा है, उसके लिए भी तो तुम्हारा कोई कर्तव्य है। क्या गुनाह है उसका, क्या कसूर किया है उसने जो बाप के होते हुए भी अनाथ है? देखो, मैंने जिंदगी में हर सजा हंसते हंसते कबूल कर ली, लेकिन अपने बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अरे पगली, ये नाइंसाफी तो ऊपर वाले ने हमारे साथ की है। इतनी बड़ी नाइंसाफी को मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ? अब तुम बता, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? तुम मुझे एक वचन दो कि अब तुम कभी शंकर के सामने नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं जाओगे मेरे लिए, ना सही अपने सूरज के लिए।
अब। हराम खोर, मैंने तुझे मजबूर इंसान समझकर अपने घर में पनाह दी, तेरी भूख को इंसानियत की रोटी दी, और तू आस्तीन का सांप। सूरज, क्या अर्शन बाकी जा रहा है? मर गया तुम्हारा सूरज, गहन लगा के तुमने सूरज को। क्या? मैंने आज तक तुम्हें एक देवी की तरह पूजा है, लेकिन आज तुम्हें माँ कहते हो मुझे शर्म आ रही है। भगवान की इसे गलत मत समझो मुझे। आराम खोर कमीने, तेरी मौजूदगी से मुझे घृण आ रही है। आज यकीन आ गया मुझे कि एक मुजरिम के आंसू सिवाय फरेब के और कुछ नहीं होते। दफा हो जाए यहाँ से। कमीने, निकल जाए। तूने मुझे, मेरे पति को, मेरे सुहाग को गाली दी है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुमने तो कहा था कि मेरे बाबा मर चुके हैं। हाँ, जानता है क्यों? सिर्फ तेरे लिए, ताकि तेरी जिंदगी पर हमारी बदनसीबी का सहना पड़े। तू मुझ पर कितना भी कीचड़ उछालता, मैं एक माँ होने के नाते शायद चुपचाप बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन तूने मेरे पति को, दुनिया में कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उसकी सुहाग को गाली दे, चाहे उसका अपना बेटा क्यों ना हो। माँ, माँ ये तुमने क्या किया? माँ, जिंदगी भर मैं बाप के प्यार को तरसता रहा, और तुमने सच्चाई पे से पर्दा उस वक्त उठाया जब मैं अपने हाथों अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उन्हें मना ले, दुनिया ने उन्हें इतने जख्म दिए हैं, ये चोटों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जा बेटा, जा। हाँ माँ। जाकर उनके बाबा के घर को। बाबा, 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 मुझे माफ कर दो। हाँ बाबा। सूरज, अरे बेटे, ये शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। आज तुमने मुझे बाबा कहा, एक बार फिर से बोल बाबा। बेटे, बाबा, तुझे नहीं सूरज, उस कमीने सरावर को बुलाया है। अपनी जुबान और जोश को लगाम दे शंकर, ये तेरी खुशकिस्मती है कि तू मेरा दोस्त है, वरना अपने बाप की शान में गुस्ताखी करने वाले की जुबान खींच लेता। तो वो जहरीला नाग तेरा बाप है। मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, तमीज से बात कर। मैं अपनी माँ पर जुल्म करने वाले को बख्शूंगा नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत तड़पा है सूरज अपने बाप के प्यार के लिए। अब दुनिया में कोई भी ताकत मुझसे मेरी और मेरी माँ की खुशियां नहीं छीन सकती। मेरे इंतकाम के सैलाब के सामने तू क्या टिकेगा? आज दुनिया भी आ जाए तो एक तिनके की तरह बहा कर ले जाऊंगा। Thank you.
इस पापी की सूरत को, उसे अपने सर पर कफन बांधकर इसको कफन पहनाना है। इसकी मौत तेरे जीने का मकसद है। शंकर तुम मुझे मारना चाहता है ना? ले मार ले, निकाल ले अपनी भड़ास। आज तेरे हाथ कोई नहीं रोकेगा। नहीं बाबा, नहीं। नहीं सूरज, तुझे मेरी कसम, आज कोई बीच में नहीं आएगा। शंकर मुझे मारने से तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी ना? आ बेटे, खत्म कर दे मुझे, खत्म कर दे बेटे। बेटा कहकर मुझे गाली मत दे। रुक जाओ शंकर। चल राज, कोई मुझे नहीं रोक सकता। हट जा, हट जा। शंकर, जानते हो तुम किस पर हाथ उठा रहे हो? इस शक्ल को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिसने बचपन से लेकर आज तक मेरा जीना हराम कर रखा था। नहीं शंकर, नहीं। इसी ने तो तुम्हें जिंदगी दी है। तेरे जिस्म में दौड़ने वाले लहू का एक एक कतरा इसकी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अगर इसने चंद टुकड़े मुझे खिलाए हैं, तो मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर इसके खानदान की परवरिश करता हूँ। तुम नहीं जानते जेलर, मैंने अपनी माँ को हर पल सौ सौ बार मरते हुए देखा है। मेरे चेहरे को गौर से देखो जेलर। मैं इस चेहरे को जब आईने में देखता हूँ, मुझे खुद से नफरत होने लगती है, क्योंकि ये चेहरा भी इसकी गुनाहों की देन है, और आज इसके गुनाह भी इसके खून से धुलेंगे। शंकर, हट जा जेलर, हट जा जेलर, मैं कहता हूँ हट जाओ। चलो मेरे जरावर, जेलर की वजह से तेरी जिंदगी के चंद लम्हे और बढ़ गए, मगर याद रखना, मेरे इंतकाम की आग से तू बच नहीं पाएगा। मैं राम सिंह। हाँ सरपंच राम सिंह, तेरे खानदान की बर्बादी में हिस्सा लेने वाला मैं जलील राम सिंह। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। तेरे माँ बाप और तेरी मासूम बहन को मौत के घाट उतारने वाला जालिम ठाकुर रोशन सिंह। सूरज, तेरे डूबने का वक्त हम अपने मुट्ठी में लेकर आए हैं। धमाके के साथ तेरा काम तमाम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अपने बेटे की मौत से ही हजार गुना ज्यादा भयंकर मौत का मंदिर देखना चाहते हैं। वही जीने की ताकत, वही सशक्ति सांसें, वही खून में लथपथ जिस्म। मारो इस हरामखोर को, इतना मारो कि यमराज को भी तरस आ जाए। मेरी चिंता मत कर, मार इनको। रुक जाओ जलील कमीने,
तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जिस जहर ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया, आज उस जहर के साथ साथ तेरे फन को भी इस तरह कुचल डालेंगे कि दोबारा रोशन सिंह के साथ कोई गद्दारी करने की जरूरत ना कर सके। अर्जुन सिंह, तो नहीं बचेगा। क्यों, बहुत तड़प रहे हो जोरावर सिंह? देख लिया ना सांप के बिल में हाथ डालने का अंजाम। बेकसूर तो बस जुल्म करने वालों को लोग नामर्द कहते हैं। अरे याद रख, तेरे गुनाहों की बलि अभी सिर्फ तेरा एक बेटा चढ़ा है। ऐसा ना हो कि तेरे जुल्म और सितम की आंधी तेरी आने वाली नस्ल को खत्म करके रख दे। कुत्ते जोरावर साहब, इस दरिंदे को आप नहीं, इसे तो मैं मारूंगा। खत्म करने के लिए बदले की आग में मैं बचपन से चलता आ रहा हूं, और आज वो मौका आया है। ये मौका मुझसे मत छीनना। हटा लो हथियार। हाँ इंस्पेक्टर, तुम्हारे हाथों से मिलने वाली मौत बहुत ही भयानक होगी। खत्म कर दो इसे और पूरा करो अपना इंतकाम। तुम किसी भीख में शंकर की मां उसे वापस दे सकती हो? कभी नहीं। जाओ गोली शंकर। देख और से मेरे तरफ देख, बरसों की तपस्या के बाद आज इस सुनी मां को सुहाग की लाली मिली है। इसे मत छीन, इसे मत छीन। ये मत भूलो शंकर कि इस पापी ने जो महापाप किया है उसे इंसान तो क्या भगवान भी माफ नहीं करेगा। जाओ गोली। नहीं बेटी, पाप क्या है पुण्य क्या है मैं नहीं जानती, पर मैंने बगैर किसी जुर्म की सारी जिंदगी सजा पाई है। क्या तेरी माँ ने ये भी कसम दी थी कि सुहागन से सुहाग छीन ले, एक बेटे से उसका पाप छीन ले? ऐसा नहीं, मत कर बेटा, कर इसका मुझ पर। मैं कहता हूँ हट जाओ। नहीं माँ, नहीं, छोड़ दे इस पत्थर को, मत मांग इसे भीख। ये सिर्फ माँ के नाम की दुहाई देना जानता है। ये नहीं जानता, ये नहीं जानता माँ होती क्या है। मुझे तो ताज्जुब है कि इसका नाम शंकर क्यों रखा है। अरे शंकर तो वो होता है जो खुद जहर पीकर दुनिया में अमृत बांटता है, लेकिन इसने इसने सिवाय नफरत के किसी को दिया ही क्या है माँ। माँ ये इंसान कहाँ है? ये तो पत्थर का बेजान टुकड़ा बन चुका है। गूंगा, बहरा, जज्बात से अपाहिज, दिल का बेरहम, इसे तो सिर्फ अपना इंतकाम याद है माँ, सिर्फ अपना इंतकाम। मुझे अपना इंतकाम याद है। नहीं सही, अगर खत्म करना है तो पहले इस दरिंदे को खत्म कर। मैं जानता हूं कि जोरावर सिंह ने तेरी माँ के साथ बहुत ज्यादती की थी, लेकिन वो नशे की हालत में बदहवासी में की गई एक भूल थी। लेकिन इस दरिंदे ने मेरी आंखों के सामने तेरी माँ को गोली मार के खत्म किया है। अगर माँ का बदला लेना है तो खत्म कर दे इसे, खत्म कर दे इसे।
बेटे आपके पास आ इतनी गोली खाने के बावजूद मेरी सांस अटकी हुई है। मुझे गोली मारते बेटे वरना तेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपनी बदले की आग बुझा ले बेटे बुझा ले। इसे कहो बदनी इसे कहो मुझसे मेरी आखिरी सांस छीन ले। नहीं बाबा आपके इतने बड़े प्राश्चित के सामने मेरी नफरत हार गई है बाबा। बाबा आपने अपने पवित्र खून से अपने सारे गुनाह धो डाले हैं। मुझे मेरी मां मिल गई बाबा मुझे मेरी मां मिल गई बेटे मेरे बेटे देख ये तुझे तुझे मां कह रहे हैं पत्नी ये तेरा बेटा है ये महान है बाबा। अब मुझे अपने आप को आपका बेटा कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है।